हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है सैटरडे, बज रहे हैं सुबह के 10 और डेली की तरह मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। घर के सभी लोग नहा धो चुके हैं और किचन में वाइफ हमारी कुछ बना रही हैं। अच्छा, और नाश्ता भी आ गया है हमारा। कल बना था लपसी, ढूंढी, तिल्ली का लड्डू, ये सब बना था। तो ये नाश्ता सुबह के लिए आ गया है। तो गाइज, ये जो कल सकट के दिन बना था शाम में, तो सुबह यही नाश्ता मिला है, देख लीजिए। ये लड्डू है तिल्ली का और ये लपसी है, सिंघाड़ा के आटा के पीस के बनाई गई है। तो ये नाश्ता है, अभी इसमें चाय रखी है, बिस्किट भी है। तो दोस्तों, ये नाश्ता है, सुबह का नाश्ता करते हैं। तो गाइज, सुबह का नाश्ता तिल्ली का लड्डू है, इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना है दोस्तों, समझ लीजिए आप लोग। आप लोगों के घर में भी बना होगा। तिल्ली का लड्डू हमको बहुत पसंद है, इसलिए इसको ज़्यादा ही बनवा लिए हैं। तो भाई, नाश्ता कर चुके हैं, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। आज है मौसम ख़राब, बादल घेरे हुए हैं और मम्मी देखो आग जला के बैठी हैं, ये देखिए। तो मम्मी सुबह सुबह बैठ जाती हैं ठंडी में, उनको ठंड लगती है ज़्यादा, क्योंकि मौसम इस समय ज़्यादा ख़राब रहता है। देखिए मौसम का नज़ारा, रात में आसमान साफ था, सुबह पूरा बादल छा गए हैं और सुबह बूंदाबांदी भी हो रही थी। देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, तो ये किचन का सीन, ये देखिए। आज भी कुछ बनेगा कहा? हाँ, कहा बने? परेठा। कहे परेठा? आज आलू परेठा बने। रोज कुछ ना कुछ ठंडी में बनाती हो। ठंडी में तो अच्छा लगा था, कुछ ना कुछ ठंडी में। अच्छा, तो आलू पराठा बने हैं। सब्जी बन गई है? कहे सब्जी है? आलू मटर की सब्जी। तो गाइस, ये आलू पराठा बनाएंगे, तैयारी इनकी चल रही है आलू पराठा बनाने की। कितना देर लगेगा अभी? हाँ, भूख बहुत जोर से लगी है, जल्दी करो। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस, हम जा रहे हैं खाना खाने। आज आलू का पराठा बना है और खाना खा के तो आज कहीं निकलना है। इनके लिए कुछ लाना है। क्या लाना है? कल आओ, क्यों स्वेटर कह रही थी ना, ले जाएंगे ना? स्वेटर लाने के लिए कह रही थी, ले जाएगा। कहा था उधर मुँह कही की कहीं तो है, लाए लो। हाँ, तो लाए लो तो मुँह ना उधर कहीं कही बोला था। आज इनको स्वेटर लाना है, ठंडी खत्म हो रही थी, स्वेटर मांग रही है। ना लायो। अगर ठंडी देगा तो भगवान जी निकलत नहीं है। चलो लेते आओ, अब जा बाजार। ठीक है, आज बाजार है? अरे दुकान तो खुली रही। तो भाई, आज इनके बहिनी आई रही। अरे हमार साली है तो उनसे भेंट नहीं करवाए, भेज दी। भेंट करावे के तब तो तुम साली के देखो नहाए लागे। नहीं, हम तो पहले से नहा रहे थे। पहले से नहाते रहे तो वही तुरंत चली गई, पानी चाय पी के नहाते रह गए। कपड़ा धुल रहा था, धुल रहे थे, नहाते धोते
समय ज्यादा लग गया, चली गई, मुलाकात भी नहीं हुई। रोके चाहिए जब जात रही हूँ। कहाँ रोके? तुम नहीं रोक पाई हो तो हम कहाँ रोके? हमरे रोके से तो नहीं रुकी, शायद जीजा के रोके से रुक जाती। उनको तो खुद ही रोकना चाहिए कि जीजा से मिल के जाए। हाँ आप कब आएंगी? बड़ा दिन बाद आए, चली भी गई हैं। हम कब बुला लें? हमको तो कहती कोई ससुर आ रहे ना जाओ। कब करें करीब तो है जाओ। पहले कहती थी ना कि पहले कहा था ना, अब तो कही थी जाओ ससुराल ना जाओ। वहाँ जब कहा था एक साल तब तो नहीं बाद जाना। अब तो एक साल पूर गया, अब जा ही सकत हो ना। अच्छा तो एक साल के लिए का रोक रहती है का? और क्या, और हमारे दोस्त है वो तो दूसरे महीना पहुंच गए थे। तो जाए चाहिए तुम हो क्या? तब तो नहीं गए हो, कुछ काम नहीं था तो जब उधर जा रहे थे तुम कह रही थी ना कि इतना जल्दी जाओगे। कहेंगे देखो किस तरह के मेहमान हैं, तुरंत ही जो है आ गए हैं, एक दो महीना नहीं बीता ससुराल घूमने लगे। तो अब घूम लो, अब तो साल भर गए क्या? तो अब चलो किसी दिन चलते हैं। चलो तो मिलेंगे वहीं साली सरहज है। सरहज तो है नहीं है, सालिन है। तमाम सराज का सगी सराज नहीं है ना। दूसरे के वाइफ को सराज बनाएंगे तो कुटाई हो जाएगी ससुराल में। जरूर कहा कहेंगे बताओ हमको सराज बना रहे हैं, जब तुम भी नहीं बोलोगे कुटाई होने लगेगी। तो तो चलो गर्मी में चलते हैं, है कि नहीं? चलोगी? चलो अब नहीं चलो, चलो अब आइन मौसम खराब है। मौसम अब आइन चले कई दिन तो मौसम खराब है। मौसम खराब है, थोड़ा ठंडी उंडी खत्म हो तो चलने में भी ठीक रहे। अभी स्वेटर मांग रही हो लेते आओ, ठंडी पड़ रही है और कह रही हो कि चलो मई के चलेंगे, समय आने दो। समय समय की बात है, समय पे सब होना चाहिए, है कि नहीं? तो गाय जिनको किसी गर्मी में घुमाने ले जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे इनका घर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों आज मुझको जाना था मार्केट, अपनी वाइफ के लिए स्वेटर लाना था। उस समय वाइफ मेरी कह रही थी कि स्वेटर जाके ले आओ, ठंड लगती है और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि जा नहीं सकते हैं। इसी वजह से अभी देखिए सो रही हैं, अभी उनसे बताएंगे कि आज नहीं जा पाएंगे तो देखिए क्या रिएक्शन रहता है उनका। हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाए हमारे ऊपर कि रोज़ बहानेबाजी करते हो, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आइए चलते हैं देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। देखते हैं, सो रही हैं, कहाँ हैं? अरे दिखी नहीं रही हैं, घुसी हैं अंदर। हेलो, अरे सुनती हो? हाँ सुन रही हो? मौसम है खराब, आज नहीं जाएंगे मार्केट स्वेटर लाने। हाँ कहे ना जाइए हो, कहे ना जाइए हो, मौसम खराब है, भीगते हुए जाए क्या? पानी बरसने वाला है। अरे मौसम बहुत तेज खराब है। कहाँ धूप निकली है? कहाँ धूप है? ये धूप नहीं है, बादल तुरंत आ जाता है। हाँ कल जाएंगे। हाँ ठीक है, कल कल रोज नहीं करते हैं, कल जाएंगे पक्का। ठीक है ना? ठीक है, कह रही ठीक है, गुस्सा हो गई। नहीं तो
तो दोस्तों कल जाएंगे, इनके लिए स्वेटर लाएंगे, और आज जितना समय बाकी है उतने में इनके ताने और सुन लेंगे, और क्या करेंगे फिर, जो मौसम खराब है जा नहीं सकते हैं, कल जाएंगे तब इनके लिए स्वेटर लाएंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और आप लोगों को मिलेंगे अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।